बरेली के थाना सीबीगंज के ग्राम सराय लफ्ती के रहने वाले व्यक्ति ने एसएसपी से शिकायत की है कि एक सूदखोर उसको परेशान कर रहा है और वो उससे काफ़ी रकम भी ले चुका है। धर्मवीर पुत्र हीरालाल निवासी सराय तल्फी थाना सीबीगंज का है। उसने बताया कि उसके पिता रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर थे और एक वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है। सराय तल्फी का ही रहने वाला है चमन सिंह यादव, सूद ब्याज का काम करता है। उसने धर्मवीर को बताया कि तुम्हारे पिता ने 70,000 रुपये ब्याज पर चमन सिंह यादव धर्मवीर से 50,000 रुपये वसूले जा चुके हैं, शेष 20,000 रुपये के लिए और दबाव डाल रहा है। धर्मवीर ने 20,000 रुपये में से 13,000 दे चुके हैं। चमन सिंह यादव 20,000 की और डिमांड कर रहा है, जिससे न देने पर वह मकान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। मजबूर होकर आज धर्मवीर ने एसएसपी से शिकायत की। सूदखोर चमन सिंह यादव उसे प्रताड़ित कर रहा है और काफी रुपया वसूल चुका है। धर्मवीर नाम है। क्या हुआ था? सर, हमारे पिताजी ने लगभग 2 साल पहले चमन सिंह यादव से पैसा लिया था 70,000 रुपये। अब 1 साल पहले पिताजी ख़त्म हो गए। पिताजी 1 साल तक तो ब्याज देते रहे, वो उनकी पेंशन थी, रेलवे में थे तो देते रहे साहब। अब वो पिताजी के ना रहने पे अब वो हमसे वसूल रहा है पैसा। अब हम प्राइवेट आदमी साहब मजूरी करते हैं साहब। कितना पैसा लिया था? 70,000 रुपये लिए था टोटल। 50,000 रुपये पिताजी के मरने के बाद मैं अपने पास से दे चुका हूँ साहब। इधर उधर से शादी का अपने इंतजाम कर रहा था पैसों का, अब 20,000 रुपये रह गया साहब। उसका 13,000 रुपये ब्याज भी दे चुका हूँ साहब 13 महीने से। अब वो कह रहे हैं ब्याज दो और पैसा भी दो, नहीं दोगे तो तुम्हें मारेंगे, भगा देंगे घर से, निकाल देंगे और घर पे कब्जा कर लेंगे तुम्हारा। हम लोग साहब गरीब आदमी, ड्राइविंग का काम करते हैं साहब, कभी सीजन में कभी चलता है काम नहीं। सराय तल्फी गाँव का ना मामला थाना से भी लगता है साहब। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।